सत्यकाल सलामकुम जन आप कैसे हो। आप सब होप सो गाइज ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है मुफ्ती सलमान हजारी की कि क्या तजिया रखना जायज है। तजिया कहता है गाइज, ये हमें नहीं पता है तो जरूर बताना, तजिया रखना जायज है क्या? पंजा उठाना इस्लाम में जायज है, मतलब पंजा उठाना क्या है? बाकी देखते हैं वीडियो को और फिर कहते हैं बाकी बातें डिस्कस। आपको मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आई, उन्होंने पूछा कि हुजूर हमें कुछ हुक्म दे दें, हम बाहर से आते हैं, बीच में हमारे और आपके एक दूसरा दुश्मन कबीला है, हम आ नहीं सकते हर बार, बस वो 4 महीने हैं जिसमें जंग हराम है, उसमें हम आते हैं आपके पास। तो हुजूर ने उनको हुक्म दिया 4 चीज़ों का, नमाज का, रोज़े का, माल गनीमत का और जिहाद फी सबीलिल्लाह का, और एक हदीस में हज का। और फिर फरमाया मैं 4 चीज़ों से तुम्हें रोकता हूँ, 4 चीज़ें कभी मत करना। वो 4 चीज़ें क्या थी? हनी नकीर, दुब्बा, हिंतम, मुजयफत। ये चीज़ें 4 प्यालों के नाम हुजूर ने गिनाए। कद्दू को काट करके बीच में से गोल होता है, अंदर का मग़्ज़ निकालें तो कटोरी बन जाता है, उसको सुखा करके अरब वाले उसमें शराब डाल के पीते थे, लकड़ी का गिलास बनाते थे, लकड़ी गोल काट करके बीच में से उसका सब निकाल के एक गिलास बन जाता, उसमें शराब रखते थे। यानी बिल्कुल वो लोग ओरिजिनल चीज़ें, नेचुरल चीज़ें शराब के लिए इस्तेमाल करते थे। ये 4 किस्म के प्याले हैं जिनका तज़किरा मैंने अभी कहा। हुज़ूर ने फरमाया ये ख़त्म कर दो, ये प्याला, लकड़ी का प्याला, कद्दू से बनाया हुआ प्याला, वो कलिंगड़ से बनाया हुआ प्याला, ये ख़त्म कर दो। शराब की बात नहीं है इसमें, प्याले ख़त्म करो, प्याले तोड़ो। गए उन्होंने प्याले तोड़ दिए। इसमें हिकमत क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं शराब तो छोड़ना ही था उन्हें, लेकिन वो प्याले नहीं रखना है जिसमें शराब पीते थे। वजह यह है कि जब जब प्याला देखेंगे वो शराब याद आएगी, इसमें ऐसा पीते थे हम। ये इस्लाम है जो जड़ को ख़त्म करना चाहता है। आप जाहिर सी बात है उस बछड़े को तो ख़त्म किया गया, मार दिया गया, लेकिन हुक्म आया कि उसका तसव्वुर भी ना आए। उनके दिलों में वो रच बस गया था बछड़ा, जब देखो वो बछड़े का ही तस्करा करते थे। अब इस तरह के जो गुमराहियाँ आज तक लोगों के दिलों में हैं उन्हें ख़त्म करें। तो गुमराही की यादें निकालना ये बहुत अहम काम है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले आप कोई गलत काम कर रहे थे, अब छोड़ करके तौबा करके आ चुके हैं, तो अब यहाँ सबसे बड़ा काम ये होता है कि उसका दिमाग में ख्याल भी ना आए, इसके लिए टाइम लगता है। तो जब तक वो पूरा नहीं निकालोगे आप ईमान के कमाल के दर्जे को नहीं पहुँचोगे। पहले कुछ लोग कुछ अमल करते थे जो नाजायज़ व हराम था, घरों में हमने तंबीह की, तलकीन की कि ये नाजायज़ है, हराम है, ना करें। छोड़ तो दिया उन्होंने, लेकिन जब जब वो ऑकेशन आते हैं तब तब फिर से उनकी याद आती है। अब उसकी मिसाल आपको मैं बताऊं, शुरू की बात है कि मुहर्रम के ज़माने में पंजे उठा करके नाचने की आदत अक्सर लोगों को थी, बहुत सारे लोग। एक तरह से इसमें इबादत का तसव्वुर नहीं था लोगों को, बस ये कि एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि इबादत इस तरह से रोड और गलियों में नाच करके तो होती नहीं। ना वो इमाम हुसैन को राज़ी करने का मसला है, ना रब तबारक व ताला की बारगाह में कुछ पेश करने का मसला है। अगर इतने ही इबादत का शौक़ होता तो मस्जिदों में पंजे लेकर बैठ जाते, कुरान पाक पढ़ते, सबको मालूम है कि सबसे अफजल जगह ये है, वो इंटरटेनमेंट करते थे। अब हुआ ये कि हमने कहा कि ये बेहुरमती हो रही है, मौला हुसैन के नाम पर बेहुरमती हो रही है। असल बात, पंजा तो आज तक इमाम हुसैन का मिला नहीं, पंजा मिला नहीं। हज़रत अब्बास अलमबरदार के पंजे कटे थे ये सुना है, रिवायात भी, लेकिन उसकी शबीह, उससे मिलती जुलती तस्वीर कुछ मिली नहीं। अब रही बात ताज़िया का मसला, ताज़िया जो है इसका मसला मुख्तलफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताज़िया को
शरायत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज़ है, लेकिन वो शरायत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल देंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताज़िया की, इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उस रोज़े की शक्ल की कोई चीज़ बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुज़ुर्ग के रोज़े की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहाँ होगा हम ताज़ीम के साथ देखते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको ले करके सड़कों पे हम घूमेंगे नाचेंगे और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहाँ से शैतान फिर गुमराह करना शुरू करता है। खैर ये बात अलग है ताज़िया का। रही बात पंजे का, पंजे की जो लॉजिक है वो नहीं समझ में आई, मुझे कोई समझा दे। मैंने इससे कबल भी बहुत पहले ही कहा था, मैं खुद उठाऊंगा। पंजे की क्या खसूसियत है? अगर इमाम हुसैन शहीद करबला रदल्ला तला के हाथ का निशान लेकर के कोई उठाकर घूमता है, मैं तो कहूँगा हाथ क्यों उठाते हो, उससे बेहतर है कि मौला हुसैन का कदम उठा करके घूमे, क्योंकि हमारे लिए उनके कदम तक पहुँचना भी बहुत दूर की बात है। कदम उठा करके कोई घूमता हुआ नहीं दिखा मुझे, कोई तलवा उठा करके दिखा, तो इसमें हाथ की क्या खसूसियत है ये तो मुझे लॉजिक अब तक नहीं मालूम। बहरहाल एक टॉपिक अलग है। इसके अंदर जो खुराफात आ रही थी, इसके साथ औरतों मर्दों का साथ मिलना, गाने बाजे ढोल ताशे और तरह तरह के इसमें खुराफात लेकर के इसको कहां से कहां तक पहुंचाया था, शुरू किस लिए हुआ होगा मालूम नहीं, पहुंचा किस काम के लिए बहुत दूर चला गया। अब मैं जो बात कहने जा रहा था वो ये थी कि चंद सालों पहले हमने देखा बहुत खुराफात हो रही है, एक जगह हमने कहा मना है, उन्होंने फौरन उसको ख़त्म कर दिया, नहीं करेंगे। हाँ मैंने ये कहा कि ठीक है मौला हुसैन के रोज़े की शक्ल बनाओ, हर घर में बना करके रखो, याद के लिए अच्छा है, अपने बच्चों को दिखाओ कि ये मौला हुसैन का रोज़ा है। हम जैसे गुंबद खजरा रखते हैं अपने घरों में, खाने काबा रखते हैं, इमाम हुसैन का रोज़ा रखने में कौन सी दिक्कत की बात है? मैं इतना ज़्यादा मुखालिफ नहीं हूँ इस चीज़ों का, रखो आप, पीतल का बनाते बनाओ, तांबे का बनाते बनाओ, सोने का बनाते हो बनाओ, उसमें हरज नहीं। हम जिस चीज़ की मुखालफत करते हैं वो खुराफात व हरामकारियाँ जिसको बाहर सड़कों पर किया जाता है, मैं उसका मुखालिफ। खैर बात आई बंद हो गई, लेकिन होता क्या था मालूम है, चंद दिनों के बाद दूसरा मुहर्रम आया तो घर वाले कहते हैं कि हजरत वो तो बंद हैं लेकिन बच्चे वैसे ही नाच रहे हैं, हाथ ऐसे लंबे करके खुद पंजा बन गए और नाच रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को मिसाल में इसलिए बता रहा हूँ कि बनी इसराइल बछड़े की पूजा करते थे, हुक्म आया उनके कत्ल का, कत्ल भी हुए, बछड़ा भी मार दिया गया, लेकिन ज़माने तक उनके दिलों से बछड़े की मोहब्बत गई नहीं थी। वही जिक्र आज की आयत में मैंने पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है सुम्म तखदुल अजल मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनात, फिर ये बछड़े को ऐसा लेकर के बैठे रहे जबकि इनके सामने खुली हुई निशानियाँ थी। वउश्रिबू फी कुलूबिहिमुल अजल, अल्लाह फरमाता है इनके दिलों में ऐसा लगता है बछड़ा पिला दिया गया है, पी गए हैं बछड़े को, इतनी मोहब्बत थी। जबकि रोशन आयतें और दलीलें देखी, तो खुलासा यह है मेरे अजीज़ो, कहने का मतलब कि बाज़ चीज़ें गुमराहियाँ ऐसी हैं जिनको छोड़ने के बाद भी वो कचोके लगाती रहती हैं, बुरे गुनाह भी ऐसे हैं जिनको छोड़ने के बाद वो दोबारा दिमाग में वसवसे डालते रहते हैं। इन कामों को हतमी तौर पर अपने तसव्वुर में भी ना आए, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम कसरत से पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम मिन शर्रि शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह मुझे, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी मरदूद शैतान की इन शरारतों से जो मेरे दिमाग में डाल रहा है। तो ये उसी की तरफ से होती हैं, वो पुराने रास्ते पर ले जाना चाहता है, गुमराही की तरफ लाना चाहता है, वो खराबियाँ जिनको तुम छोड़ करके आए हो याद दिलाता है, एक बार और चला जाओ,
इसके लिए कसरत से ये पढ़ा करें। जब जब ऐसा वसवसा आए कहें अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। आज ही सुबह गुनाह से तौबा किया, सोचा कि नहीं करूंगा ये गुनाह, लेकिन रात होते ही फिर ख्याल आया एक बार और कर लो। मैं बता रहा हूँ फौरन उस वक्त ये पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह मैं तो छोड़ चुका था शैतान मर्दूद, फिर मुझे ला रहा है वसवसे, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मर्दूद शैतान की शरारतों से। सो गाइस ये थी वीडियो की क्या ताज़िया रखना जायज़ है। पहले हमें ताज़िया का समझना है कि क्या होता है, बट ताज़िया होता है किसी चीज़ की एक निशानी बनाना, जैसे कि आप लोग जो है काबे को बनाते हो या किसी चीज़ को बनाते हो। सो ये कहने कि वो बनाना कोई भी गलत काम नहीं है, लेकिन उस चीज़ को लेके अगर आप बाज़ारों में घूमते हो फिर आप पैसे पूसे चढ़ाते हो, वो इन्होंने गलत बताया। और रही बात पंजे की, तो इमाम हुसैन का पंजा लेके वो चलते हैं, वो कह रहे हैं इसमें कोई गलत बात नहीं, मैं तो कहता हूँ कि कदम लेके चल क्योंकि हम उनके कदमों के बराबर भी नहीं है। तो ये टॉपिक सारा कि क्या तजे रखना जायज़ है। सो तो इस बात का उत्तर आपको मिल गया भाई वीडियो के बीच में। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुफ्ती सलमान अज़हरी जी के अगर आप और वीडियोस चाहते हो हम रिएक्शन करें, या कोई और मौलाना है जो भी वीडियो चाहते हो कमेंट करके बता दिए और हम करा करेंगे। सो बाकी जो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।